हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि आज मैं सुजुकी जीएस 150 का रिव्यू देने वाला हूं, वो भी इसको 1000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो 1000 किलोमीटर जो मैंने इसको चलाया, जो मैंने इसको फ़ील किया, इसकी जो भी खूबियाँ मैंने देखी, इसमें जो भी इशूज़ मुझे फ़ील हुए, वो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा इसकी पावर, इसकी जो रनिंग है वो कैसे होगी, इसकी फ्यूल इकोनॉमी, रोड ग्रिप, इसकी सस्पेंशन के इश्यूज़, इसकी टॉप स्पीड, इसकी रोड अपीयरेंस, ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। को सबसे पहले रनिंग जो है बाइक की, वो कैसे करनी है। बाइक की रनिंग के हवाले से मैं बताता चलूँ मैकेनिक्स की तरफ से कि जी आपने इसको भगाना नहीं है, आपने इसको 60 से ऊपर नहीं लेके जाना, इसका RPM जो है वो 6000 RPM से ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इस बाइक को ईज़िली चला सकते हैं जहाँ तक आप चलाना चाहें। इसकी टॉप स्पीड 120 जो मीटर पे मौजूद है, आप इसको वहाँ तक भी चला सकते हैं। लेकिन आपने इस बार एक ही बात का ख्याल रखना है, इसके इंजन को ओवरहीट नहीं करना। अगर आपका इंजन हीट हो रहा है तो फिर आपने रुक जाना है, यानी उसके बाद आपने इसको ब्रेक देनी है, फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रनिंग में ऐसा कोई मसला नहीं, आप इसको चला सकते हैं, डबल पे चलाएँ, ट्रिपल पे चलाएँ, जितनी स्पीड आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। दूसरा इसका जो पॉइंट है आज की वीडियो में, वो है इसका कम्फर्ट लेवल। तो दोस्तों, कंफर्ट लेवल में सबसे पहले बात करते हैं इसकी एर्गोनॉमिक्स की। एर्गोनॉमिक्स इसके बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। इसकी हैंडल बार की जो विड्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप पूरा बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठते हैं। इसके अलावा इसकी जो जो मीटर वगैरह है, वो आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो बिल्कुल सही मिलती है। जो चीज़ इसमें मिस है वो है इसका फ्यूल गेज इसमें नहीं है, यकीनन होनी चाहिए, और गियर पोजिशन इंडिकेटर। तो सुजुकी वालों से रिक्वेस्ट है कि ये दो चीज़ें कम से कम इसमें ज़रूर ऐड कर दें, बाकी बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ। उसके बाद इसकी सीटिंग पोजीशन के हवाले से बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं बाइक पे इस वक्त बैठ चुका हूँ। बाइक पे आप जब बैठते हैं तो आपकी ग्रिप, आपके जो हैंडल बार है, इसकी जो विड्थ है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है इसकी। और कम्फर्ट लेवल में आप इसकी सीट के बारे में अक्सर सुना है कि इसकी सीट जो है वो काफ़ी हार्ड है। इसकी सीट हार्ड है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी हार्ड है जितना आमतौर पे इसको प्रोपोगेट किया जाता है, जितना बताया जाता है। आप 100-200 किलोमीटर इस पर ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा अगर आपने ट्रैवल करना होता है तो आप किसी भी बाइक पे बैठे हैं तो आपको फ़ील होता है, आप इवन बस पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं तो भी आप ज़्यादा ड्राइव जब करते हैं तो आपको थोड़ा हार्ड फील होता है। तो उसके लिए यह है कि आप कुछ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करें तो कोई इशू नहीं है जी। अगला पॉइंट है इसकी सस्पेंशन का। तो दोस्तों, इसकी सस्पेंशन जो है, इसके फ्रंट पे आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक शॉक्स मिलते हैं, और रेयर पे आपको मिलते हैं स्विंग आर्म सस्पेंशन। तो ये दोनों इसकी जो सस्पेंशन है, इसकी जो इसकी जो अब्जॉर्ब करने की, जो शॉक अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। अगला पॉइंट जो इसका है आज की वीडियो का, वो है इसकी पावर। तो दोस्तों, सुजुकी GS 150 ली ही इसीलिए जाती है कि इसकी पावर है इसमें, इसकी 150 cc, इसका जो इंजन है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जितनी भी 150 cc बाइक्स हैं उनमें सबसे पावरफुल इंजन है। ये ऑलमोस्ट 13 hp प्रोड्यूस करता है, और आपको लो एंड टॉर्क भी इसका जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। आप कहीं पे हाइट पे जा रहे हैं, पहाड़ियों पे जा रहे हैं, तो चढ़ाई चढ़ने में इसके कोई मसला नहीं होता। ये जो बाइक है वो ज़्यादातर लेते भी ट्रैवलर्स हैं, मैंने भी इसी ली है, तो बाइक की जो पावर है वो बिल्कुल थम्स अप है इसके लिए। अगला पॉइंट है वो है फ्यूल इकोनॉमी का। तो दोस्तों, इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है, जो बाइक की मैंने जो मुझे इसने रिटर्न की है, वो तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर के दरमियान है। मैंने इसको 1000 किलोमीटर तक जाते हुए, ये मुझे एक टैंक डला था जिसमें 9 लीटर डला, इसमें 370 किलोमीटर के बाद, उस वक्त हम जा रहे थे ट्रिप के ऊपर तो मजबूरी थी फ्यूल डलवाना। तो उसके बाद दूसरा टैंक जो मैंने इसको फुल करवाया, वो 440 किलोमीटर के ऊपर जब रिज़र्व लगा, तो उस वक्त इसमें डाला 12.4 लीटर। तो ये ओवरऑल जब एवरेज निकालते हैं, ये तकरीबन जो है ये 40 से 45 किलोमीटर के दरमियान इसकी फ्यूल इकोनॉमी है। इसकी रोड ग्रिप के हवाले से बात करें तो इसके जो फ्रंट टायर है उसमें थोड़ा फील होता है कि ये अगर इसकी बजाय पैंथर ट्रैकर लगा होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होता। इसे जो है वो स्विच कर लेना चाहिए फ्रंट टायर के साथ, फ्रंट पे ये लगा लेना चाहिए 90-90-18 का, और रेयर पे न्यू टायर लेना चाहिए 100-90-18 का। तो पैंथर ट्रैकर जो है उसकी रोड ग्रिप अच्छी है। फ्रंट टायर जो इस वक्त इस पे लगा हुआ है, ये थोड़ा फील होता है अक्सर औकात जो है वो स्किड करता हुआ फील होता है। इसकी जो डिस्क ब्रेक है वो भी काफ़ी अच्छा काम करती है। ये YBR G जितनी इसकी जो डिस्क ब्रेक है उतनी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉपिंग पावर इसकी अच्छी है।
अगली चीज़ जो इसकी है वो है इसकी टॉप स्पीड। तो GS 150 की टॉप स्पीड जो है वो इसका जो मीटर है वो 120 तक है, तो मैं इसको रनिंग के अंदर ही 120 तक लेके गया हूँ, वो भी डबल के ऊपर। और जो मेरे साथ दूसरा पैसेंजर था वो माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी, 100+ kg उसका वेट था और ये 120 पे बिल्कुल जाती है और इसकी टॉप स्पीड वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। उसके बाद इसकी रोड अपीयरेंस है। रोड अपीयरेंस इस बाइक की कोई इतनी बहुत ज़्यादा तो अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाइक जो है वो अपनी एक शनाख्त रखती है। इस वजह से इसकी रोड अपीयरेंस को मैं इसको 8/10 इसको नंबर देता हूँ। इतनी माठी भी नहीं है, लेकिन कोई बहुत आउटस्टैंडिंग भी इसकी रोड अपीयरेंस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर इश्यूज़ की। तो GS 150 हो और उसमें इश्यूज़ ना हो, ये कैसे हो सकता है? GS 150 के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कुछ मैंने नॉमिनेट किए हैं, जिसमें सबसे मेजर इशू जो है वो इसकी हेडलाइट का है। इसकी जो हेडलाइट है जो कंपनी फिट करके देती है हैलोजन बल्ब के साथ, वो ये लाइट बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती। ये 10 फुट के ऊपर भी आपको कुछ नज़र नहीं आता, इवन आप इसकी हाई बीम के भी इसको चलाते हैं इसे तो भी इसकी लाइट बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो इसके लिए मैंने जो किया है इसका सोल्यूशन, मैंने LEDs लगवाई हैं। ये एक्स्ट्रा LEDs जो हैं वो 1500 की लगी हैं और अब इसकी जो लाइट है वो अच्छी है। आप भी इसी तरह कोई ना कोई LED या कोई एक्स्ट्रा जो लाइट है वो आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा इश्यू जो इसमें फील हुआ है वो इसके चेन का है। चेन जब आप गियर लगाते हैं शुरू में तो कड़क की आवाज़ आती है। ये इसके ड्रम रबड़ जो है वो बहुत वीक होते हैं, शुरू से ही मैंने सुना है कि ये मसला करते हैं। तो पहले 1000 किलोमीटर के अंदर ये मसला मुझे भी फील हो गया है। और एक और इसका पॉइंट जो बहुत ही ख़तरनाक है वो है इसके साइलेंसर की हीट। जो पीछे पिलियन बैठा होता है अगर उसने ख्याल नहीं रखा तो इसका साइलेंसर उसे बता देता है कि आपने साइलेंसर का ख्याल नहीं रखा। तो मैं एक दफ़ा अपना एक ट्राउज़र जला चुका हूँ पहले ही ट्रिप के ऊपर, उसके ऊपर साइलेंसर के ऊपर निशान भी लगा हुआ है, वो मैं आपको उसकी वीडियो जो है वो इस साइड पे या इस साइड पे आ जाएगी। अभी जो अगला इसका इशू है वो है रस्टिंग का। अक्सर आप रिव्यूज़ देखते हैं तो यही बात सुनने में आती है कि GS 150 के अंदर रस्टिंग का इशू है। तो अभी तक तो मुझे इतना कोई फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 15 अगस्त को लिया है तो महीने के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रस्टिंग आने वाली है। तो इंशाल्लाह आगे चल के देखते हैं, उम्मीद है नहीं आएगी इंशाल्लाह। एक और इशू जो मैंने फील किया वो है सुबह सुबह इसकी मिसिंग का मसला है। अगर आपकी बाइक ठंडी है, आपने अभी इसको वार्म अप नहीं किया, तो फिर आपकी बाइक जो है वो मिसिंग करेगी। उसके लिए सोल्यूशन बहुत आसान है, बाइक को स्टार्ट करें, 2 मिनट के लिए आप उसको स्टेबल रहने दें, उसको स्टार्ट रहने दें, उसके बाद आप उसको चलाएं, बिल्कुल ठीक चलेगी, इतना कोई इशू नहीं है। उसके बाद मेरा इस बाइक के बारे में क्या ख्याल है? तो जी, मैं इस बाइक से जो मैंने ली है मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, बाइक आपको लेनी चाहिए। ये यमहा जो YBR-G है उसकी रोड अपीयरेंस बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो पावर है जिसके लिए इसको लिया जाता है, ये इसका कोई जो है वो इसका कोई कंपेनियन बिल्कुल भी नहीं है। करंट प्राइस की बात करें तो जिस वक्त मैंने ली है उस वक्त इसकी कीमत थी 2,02,000 रुपये, जो कि 15 दिन के अंदर ही बढ़ के इस वक्त इसकी कीमत है 2,07,000 रुपये। तो वैल्यू फॉर मनी है क्या ये बाइक? जी बिल्कुल, ये वैल्यू फॉर मनी है। पावर अच्छी है, गाड़ी पावरफुल है, गाड़ी रिलायबल है और ये आपको कहीं पे भी रोड पे दरमियान में धोखा देने वाली गाड़ी नहीं है। तो ये थे आज के इसके पॉइंट्स। बाकी हम इसको लेके चलते हैं मैकेनिक के पास। इसकी जो पहली ट्यूनिंग है वो ड्यू है, पहली ट्यूनिंग करवाते हैं, इसकी सारी कसाइयाँ करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाइक हमें क्या आउटपुट देती है। इसकी टॉप स्पीड को भी टेस्ट करते हैं। ऑल्दो मैंने इसको टेस्ट किया है रनिंग के ऊपर ही किया है, 120 ये पूरी इसका जो मीटर है वो जाता है। मज़ीद ये कि ट्यूनिंग के बाद इसकी जो सर्विस है उसके बाद ये क्या करती है ये फिर देखते हैं। तो आगे चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेके चलते हैं इसे मैकेनिक के पास।